आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन, 32 दिन बाद 100 रुपए का नोट बंद। जानिए खबर की सच्चाई। आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन, 32 दिन बाद 100 रुपए का नोट होगा बंद। यह दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत फेमस हो रहा, जो कि 100 रुपए के पुराने नोट बहुत ही जल्दी बंद होने जा रहे हैं। फेमस दावे में भारतीय रिजर्व बैंक का हवाला देकर ये भी कहा जा रहा कि अब ये 31 मार्च 2024 तक पुराने नोट को चेंज भी करा सकते हैं, जिसके बाद उसकी कानूनी वैधता खत्म हो जाएगी और इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर @NawabAbrar131 ने 20 दिसंबर 2023 को एक पोस्ट किया था। अब ये दावा किया जा रहा कि अब ये 100 रुपए के पुराने नोट बड़े ही जल्दी बंद भी होने वाले हैं। साथ ही अब ये पोस्ट में 100 रुपए के पुराने नोट का एक फोटो भी पोस्ट किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि अब ये 100 रुपए का पुराना नोट जल्दी ही बंद होने जा रहा है। आरबीआई ने नोट चेंज कराने के लिए 31 मार्च 2024 तक टेस्ट डेट बताई है। जानकारी के लिए बता दे कि अब ये फैक्ट चेक में ये फेमस हुआ दावा बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से आरबीआई सर्कुलर ने जारी नहीं किया था, जिसमें दावा किया जा रहा कि 100 रुपए के पुराने नोट बंद होने वाले हैं। फेमस हुए दावे की जांच करने के लिए गूगल पर उससे संबंधित खबरें भी सर्च की। अब ऐसी कोई भी खबर किसी भी प्लेटफॉर्म